आज यहाँ पे 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन हम अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। 40,000 नौजवान कर्मचारियों, 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी, और जैसे भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी फिर इसमें 40,000 और नई भर्ती हम पुलिस कार्मिकों की फिर अध्याचन जारी करते हुए इस प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है, इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हजारों पदों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती के साथ जोड़ने की कार्रवाई, सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पे उस प्रकार का रिफॉर्म भी किया गया है, जैसे आज 647 ये वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों की तैनाती हुई, इनको एक परीक्षा, इनकी लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन साथ साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ भी इनकी हो, यह प्रक्रिया भी इसके साथ जोड़ी गई है। और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, यद्यपि शारीरिक दक्षता तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें तमाम चीजों में जहां शिथिल करना था वहां शिथिल करने की कार्रवाई की गई, जहां पे सख्ती करनी थी वहां पर सख्ती करने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो यह व्यवस्था करने के साथ ही ये पूरी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया।